पिछले साल की शुरुआत में पूरे देश को झकझोर देने वाली जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुई रेप और मर्डर की घटना में 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। इन 6 दोषियों पर अब से थोड़ी देर में सजा का ऐलान होने वाला है। 8 साल की बच्ची के साथ रेप करने वाले कुल 7 लोग थे, जिनमें 6 आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। पठानकोट की अदालत ने मुख्य आरोपी सांझी राम समेत अन्य 6 आरोपियों को दोषी करार दिया है। इनके अलावा 7वें आरोपी विशाल को बरी कर दिया गया है। हमारे साथ मोहित मल्होत्रा लगातार जुड़े हुए हैं पटियाला स्पेशल कोर्ट के बाहर से। मोहित, 4 बजे मुकर्रर किया गया था जब सजा का ऐलान होना है, अभी क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, जो पहले 2 बजे का वक्त दिया गया था सुनवाई को आगे बढ़ाने के लिए, सुनवाई के दौरान सजा कितनी होगी इसको लेकर बहस हुई। बचाव पक्ष के वकीलों ने अपना पक्ष रखा और जो सरकारी वकील थे उन्होंने अपना पक्ष रखा और पीड़ित परिवार की तरफ से उनके वकील ने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम बताते हुए सजाए मौत, यानी जो इस मामले में सबसे अधिकतम सजा बनती है, वो देने की मांग की है। अब इस पूरे मामले पर 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था और उसके बाद जज ने फैसला सुनाना था, लेकिन अभी तक वो अपनी सीट पर आए नहीं है। ऑर्डर को बताया जा रहा है कि तैयार किया जा रहा है, टाइप किया जा रहा है, इसलिए इतना वक्त लग रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सामने जो हलचल है, बिल्कुल सामने आपको पीड़ित पक्ष के वकील भी बाहर मौजूद हैं और उसके अलावा पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। जो आरोपी हैं उनको भी कोर्ट रूम में रखा गया है। बस अब थोड़ी देर में जज साहब आएंगे और उसके बाद वो फैसला जो है वो पढ़कर सुनाएंगे, जिसके बाद तमाम जो बचाव पक्ष के वकील हैं, पीड़ित पक्ष के वकील हैं और जो सरकारी वकील हैं उनको ऑर्डर की कॉपी भी दी जाएगी ताकि वो उसको स्टडी कर सकें कि किस आधार पर उनके जो आरोपी हैं उनको किस आधार पर सजा दी गई है और उसके बाद वो अगर चाहें तो आगे हाई कोर्ट का रुख कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो पूरी प्रक्रिया है वो सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर जज साहब अपना ऑर्डर पढ़कर सुना देंगे, लेकिन अभी वो अपनी सीट पर आए नहीं है, आएंगे और आते ही वो ऑर्डर पढ़ेंगे। अब इस मामले में कोई और कानूनी प्रक्रिया नहीं होनी है, सिर्फ ऑर्डर ही सुनाया जाना है। मोहित, जिस तरह की जघन्यता इस मामले में हुई है उसको देखते हुए 8 साल की बच्ची को न्याय मिले, ऐसे में वो सजा का स्वरूप क्या होने की संभावना ज्यादा है? देखिए, जो पीड़ित परिवार है वो सीधे तौर पर उनके जो वकील हैं उन्होंने मांग की है, उन्होंने कहा है कि ये मामला रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम का है। सोची समझी साजिश के तहत एक बच्ची को शिकार बनाया जाता है, उसके साथ 4 दिन तक प्रताड़ना की जाती है और फिर उसके बाद उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है और मामले को रफा दफा करने के लिए उसके बच्ची के शव को भी खुर्द बुर्द करके नष्ट करने की कोशिश की गई है। ये अपने आप में एक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर क्राइम है और इसके अंदर जो अधिकतम सजा बनती है वो मृत्युदंड है और मृत्युदंड दिया जाए, ये पीड़ित परिवार मांग कर रहा है। हालांकि जो बचाव पक्ष के वकील है उन्होंने एक कानूनी हथकंडा अपनाते हुए मर्सी की मांग की है। उन्होंने सभी जो 6 आरोपी इस पूरे मामले में दोषी करार दिए गए हैं उनका उनकी फैमिली का प्रोफाइल लिखकर दिया है, उनका बैकग्राउंड बताया और कहा है कि इनकी सजा देते हुए इन तमाम बातों को ध्यान रखा जाए। लेकिन अब जज साहब क्या डिसाइड करते हैं, 4 बजे का वक्त था, वो अब तक अपनी सीट पर आए नहीं है, तो वो भी सोच समझ कर ही शायद पूरी तैयारी के साथ तमाम चीज़ों को देखते हुए अपना फैसला देंगे, इसीलिए शायद उनको ये वक्त लग रहा है। आपसे थोड़ी देर में मोहित, हमें भी इस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार है कि सजा का स्वरूप क्या होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बातचीत है वो सुनवा देते हैं पहले। देश और दुनिया की कठुआ केस के ऊपर आज नजरें थी और पठानकोट कोर्ट में आज 6 लोगों को दोषी करार कर दिया गया है, 1 को बरी किया गया है। क्राइम ब्रांच जम्मू की जो टीम थी उनकी कड़ी मेहनत थी और लगन के साथ उन्होंने ये काम किया था, पूरा केस जो था उसे क्रैक किया था। जो टीम में लोग थे उनको कई बार वहाँ पर गांव के लोगों ने रोका भी था, हाथापाई भी हुई थी, लेकिन मजबूत नेतृत्व था टीम के पास और वहाँ टीम ने बढ़िया काम करके इस केस को अंजाम तक पहुँचाया। हमारे साथ IG क्राइम जम्मू हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, आज आपको मुबारक हो, आपकी टीम को, बढ़िया जो आपने काम किया था उसका रिजल्ट मिला है। जी, शुक्रिया बहुत। एक्चुअली ये केस जो है वो असल में कठुआ में हीरानगर पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ था, उसमें कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, कुछ उसमें नज़र आई थी खामियां की इन्वेस्टिगेशन में और तब उस ज़माने के डायरेक्टर जनरल ने इनको ट्रांसफ़र कर दिया क्राइम ब्रांच में। तो उस ज़माने के जो IG साहब थे आलोक पुरी साहब, उन्होंने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम जो है तैयार की थी और इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने जो एविडेंस कलेक्ट किया उसके बेसिस के ऊपर हमने ये प्रोसिक्यूशन लॉन्च किया। इसका अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ पीछे कठुआ में, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसका ट्रायल शिफ्ट कर दिया पठानकोट में। वो हमारे लिए एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों थे, क्योंकि हमको बहुत सारे विटनेसेस को, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस को वहाँ पर लेके जाना होता था। हमने 114 इसमें विटनेसेस जो हैं वो पेश किए हैं
और इस सारे दौरान में पठानकोट में एक मर्तबा भी हमने कभी ये नहीं कहा कि जी कि आज हम विटनेस पेश नहीं कर सकते, और हर रोज़ ट्रायल हुआ और हर रोज़ विटनेस पेश हुआ 114। वो एक थोड़ा सा लॉजिस्टिकली मुश्किल काम होता है, मगर वो तभी मुमकिन हो पाया था क्योंकि एक एविडेंस जो मौके पे थी वो कलेक्ट की हुई थी और वो मजबूत केस था, जिसके नतीजे में आज 6 लोगों को कन्विक्शन हुई है, एक को जो है उन्होंने बरी किया हुआ है।